लगता तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचाना पड़ेगा मादर चौध। हे इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। तुम चलो भाई, मैं आ रहा हूँ। पिछला हिसाब चुकता करना है। सरप्राइज सरप्राइज। ओए कौन है तू? कौन है बहन चो? तू चोरी करने आया है? चोर तो लगता नहीं, किस लिए आया बोल। पहचाना नहीं। रघु है अपन। रघु कौन? रघु मैं किसी रघु को नहीं जानता। याद करो पिछले साल की भर्ती। अबे बहनचोद, तू जेल से कब बाहर आया? लेकिन तुझे तो उम्र कैद की सजा हुई थी। सिर्फ तेरी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। लगता तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचाना पड़ेगा मादर चौध। तुझे बोल चाहिए तुझे। बोल जितने मांगे उतने दूंगा। बोल रघु, छोड़ रघु। पैसा तो बहुत है मेरे पास, मगर मां कहां से लाऊं जो तूने मुझसे छीन ली। मेहरबानो कदरदानो, काम तो ठीक चल रहा ना? पैसा, पैसे के लिए काम करते हैं। श्रीकांत कहाँ गया? बॉस से मिलने गया हुआ है। बॉस से मिलने गया है? श्रीकांत ही तो बॉस है, और कौन नया आ गया?
हमारे पीठ पीछे कोई काम कारोबार चलता है, हमें खबर तक नहीं। अभी तुझे 3 महीने आए हुए और सिस्टम से बाहर निकलने की सोच रहा है। अगर सिस्टम से बाहर जाएगा तो तेरा सिस्टम फाड़ दिया श्रीकांत। सब कान खोल के सुन लो छोटा मालिक, हम तुम्हारा, हमसे आगे गुस्ताखी मत करना वरना जान जाएगी, समझे? मैं श्रीकांत से बात करता हूँ। अगर ये सिस्टम के खिलाफ जाएगा तो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। कितने सालों से धंधे का यही वसूल है। सिस्टम में रहना तो सिस्टम गल जाना पड़ेगा, सिस्टम पार्ट देंगे। बोस आपसे श्रीकांत मिलने आया हुआ है। राम राम काका भाई। साहब यो के जनाना सा लिया है। जनाना ना आयो, सेक्रेटरी है मेरी, खुद भी देगा थोड़ा ध्यान तय। हाँ यही, जो 2 लाख का नुकसान होया है उसका करा कुछ ना करा था ना? साहब बहुत ठोक दिया आपने, पता नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करता नुकसान को। भूल गया दिक्कत तू काका ने, श्रीकांत तेरे हवाले छोड़ रखा है वो सारा काम है। और वो नया लड़का आया उसका क्या है? उसे मेरे पास लेका कभी मिलाने के लिए, देखते हैं। लड़का तो ठीक है सर। वो श्रीकांत, वो 10 करोड़ वाली डील याद है ना तुझे? शाम तक पहुंच जाना चाहिए माल उसके पास। वो लड़का अच्छा है बोस, हम दोनों कर लेंगे। ये तेरे वाले छोड़ रहा हूँ मैं इस डील को, ध्यान रखना ठीक है? मैं अपने आप कर लूँगा, आप चिंता मत करो। अच्छा चलता हूँ मैं। देश में फिर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पहले कोरोना महामारी आई और अब ड्रग्स ने दहशत बचा रखी है पूरे देश में। हमारी आने वाली पीढ़ी अब कम हो रही है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के कारण। हजारों लोगों की मौत रोजाना हो रही है, इसका जवाब किसके पास है? सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगा रही? जानने के लिए देखिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल WS न्यूज के साथ। मैं रिपोर्टर गुड्डू भैया, कैमरामैन DP के साथ, बने रहिए हमारे चैनल में पूरी खबर जानने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार श्रीकांत भाई। 10 करोड़ का माल है, आराम से सप्लाई करना, नहीं तो मैं चलता, मुझे कुछ काम आ गया। मुझे तुझ पे भरोसा, बस। ठीक है भाई, शाम तक हो जाना चाहिए। हो जाएगा। इस कोकेन ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी, लाखों जाने लिए इसने। अब और नहीं सह सकता मैं, इसका कारण सिर्फ मैं बना हूं, मैं। अब और नहीं। ओए रघु, तुझे श्रीकांत ने बुलाया है, चल।
उससे बोल कि राउड रघु ने उसके साथ काम करना छोड़ दिया। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुम निकल जाओ। लेके तो तुझे जाएंगे हम। जगी क्या इसमें?